गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सबका भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। हम लोग वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो टॉपिक वो टॉपिक था गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। हम लोगों ने इस सूत्र का निगमन पढ़ा था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा। तो आज का हमारा हेडिंग है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा। यहाँ पे देखिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स डिफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर का एम्पियर की परिभाषा। तो देखिए ये क्या होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है और उस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी उसके चारों ओर क्या स्थापित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा गया था हम लोगों द्वारा। फिर देखिए यदि हम किसी धारावाही चालक तार के समीप, मान लीजिए कि एक चालक तार ये है और दूसरा चालक तार आपका यह है, ये चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, तो इसके चारों तरफ क्या स्थापित हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अब यदि हम किसी धारावाही चालक तार के समीप दूसरे धारावाही चालक तार को लाएंगे, यानी दूसरे तार को ला करके रख देंगे, तो दोनों चालक तारों के कारण, यानी ये जो दूसरा चालक तार होगा वो पहले चालक तार के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा और दोनों चालक तारों के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करेगा। अर्थात ये है कि जब दो धारावाही चालक तार को पास पास लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया के कारण एक दूसरे पर एक बल आरोपित होता है, यानी या इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और दोनों के कारण एक बल कार्य करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने मान लिया कि दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू व आर एस निर्वात अथवा वायु में पास पास रखे हैं। देखिए एक तार है पी क्यू और दूसरा क्या है आर एस, ये सीधे हैं, तिरछे हो गए हैं, भी मैं बता रहा हूँ क्यों हो गए हैं, समझने के लिए ऐसा चित्र बनाया गया है। तो माना कि दो लंबे समांतर व सीधे तार पी क्यू व आर एस, एक पी क्यू है दूसरा क्या है आर एस है, निर्वात अथवा वायु में पास पास रखे गए हैं। जब इन तारों में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब इन तारों में धारा का क्या होता है प्रवाह होता है, देखिए धारा का प्रवाह से इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें भी धारा का प्रवाह प्रवाहित की जाती है, तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, यानी ये तार इस पे बल आरोपित करेगा और ये आर एस पी क्यू के ऊपर, पी क्यू आर एस के ऊपर बल आरोपित करते हैं। प्रयोग द्वारा ये देखा गया है, प्रयोग के द्वारा मतलब इसको सत्यापित किया गया है कि जब दोनों तारों में वैद्युत धारा एक ही दिशा में, देखिए इस पहले वाले चित्र में इसी चित्र को मैंने नीचे भी बनाया कि ये पी क्यू है और ये आर एस है, और इसमें देखिए पी क्यू में आई वन धारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आर एस में आई टू धारा ऊपर की तरफ आई हुई। तो जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में, यानी दो चालक तार हैं और दोनों में धारा एक ही दिशा में, यानी ऊपर की तरफ ही बह रही है, तो एक ही दिशा में होती है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आकर्षण के कारण ये तार जो है थोड़ा सा झुक गया है, इसी कारण चित्र ऐसा बना है, उसी का दूसरा चित्र यहाँ पे भी बना के दिखा दिए। दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल आ रहा है, इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होंगे, हल्का आकर्षण होगा, लेकिन समझने के लिए मैंने चित्र में थोड़ा ज्यादा इनको घुमा करके ऐसे दिखा दिया है, मतलब ज्यादा झुका हुआ दिखा दिया है। तो जब दोनों तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच में आकर्षण बल होता है, परंतु जब इनमें वैद्युत धारा, देखिए इस वाले पीक्यू में ऊपर की तरफ बह रही है आर एस में नीचे की तरफ, तो विपरीत दिशाओं में होती है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते, यानी एक दूसरे से प्रतिकर्षण बल का मतलब दूर दूर होते। अब देखिए माना कि तार पीक्यू व आर एस कागज की तल में है तथा क्रमशः आई वन व आई टू एम्पियर की धाराएं हैं, आई वन ये पी क्यू में आई वन धारा और पी क्यू में आई वन धारा और आर एस में कौन सी धारा है आई टू धारा है। तो देखिए तथा इनके बीच की दूरी, यानी पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी आर है, इसी चित्र को मैंने नीचे भी बना के समझा दिया है, देखिए दोनों के कारण फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, यानी पास पास आएंगे तार, और इनमें फोर्स बाहर की ओर है दूर दूर जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले चालक तार के कारण इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है, और यहाँ पे देखिए पहले चालक तार के कारण इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन। अब अगर मान लीजिए पहले का मतलब पी क्यू के कारण यहाँ पे बी वन है, ऐसे इसमें भी पी क्यू के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन है,
अब अगर मान लीजिए आर एस के कारण निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी टू होगा, ठीक है ना, ऐसे इसने, लेकिन हम एक के कारण निकाल रहे हैं। अब देखिए पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो देखिए इधर पी क्यू की धारा के कारण, पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर, आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो पी क्यू के कारण, चूंकि पी क्यू में धारा आई वन है तो पी क्यू के कारण अगर आर एस पे आप चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो उसको क्या मान लेंगे, बी वन। तो देखिए क्या हो जाएगा, बी वन बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान टू पाई, म्यू जीरो अपान टू पाई, और यहां पे क्या हो जाएगा आई वन बटे आर, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बी बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई आई अपान आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन अपान आर। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, तो यहाँ पे मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया। अब देखिए दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर एक के अनुसार पी क्यू के कारण आर एस की स्मॉल कैपिटल एल लंबाई का, मान लीजिए आर एस की लंबाई कितनी है कैपिटल एल है, तो पी क्यू के कारण आर एस की कैपिटल एल लंबाई पर, कैपिटल एल लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण, लगने वाले बल का परिमाण, तो आर एस पर लगने वाला बल, तो आर एस पर कौन सा बल लगेगा, तो देखिएगा आर एस पर लगने वाला बल, आर एस पर लगने वाला बल, तो आर एस पर लगने वाला बल एफ बराबर हो जाएगा, आर एस में धारा कितनी है, तो आर एस में धारा है आई टू, आर एस में धारा कितनी है आई टू है, तो आर एस पर लगने वाला बल हमको ज्ञात करना है, तो आर एस के कारण फोर्स का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर एस पर लगने वाला बल, तो आर एस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, तो आर एस पर लगने वाला बल आपका हो जाएगा आर एस पर लगने वाला बल, आर एस पर लगने वाला बल हो जाएगा आई टू, आर एस पर पी क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है बी वन, और उसके बाद में आर एस की लंबाई कितनी है यार साइन। अब देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक के बीच का जो कोण है वो 90 अंश होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यानी यल बराबर क्या लिखेंगे आई टू बी वन यल साइन थीटा, जैसा इस पे लिखे, देखिए इस चालक तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी वन है, अब इसमें धारा क्या बह रही है आई टू बह रही है, और इसकी लंबाई क्या है आर एस की यल है, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा एफ बराबर आई टू बी वन यल साइन 90, यल साइन 90। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे B1, देखिए चुंबकीय क्षेत्र B1 के आर एस जिसमें धारा I2 है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों क्या है एक दूसरे के लंबवत है, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ से होगी इस तरफ, और धारावाही चालक में धारा इस तरफ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, ऐसे धारावाही चालक का मान लीजिए ये है तो चुंबकीय क्षेत्र, तो जब लंबवत है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो एफ बराबर आपको क्या मिल जाएगा एफ बराबर आपको मिल जाएगा आई टू बी वन या साइन 90 का मान एक हो जाएगा, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। अब ये क्या होगा लगने वाला बल मिल जाएगा किसमें मिल जाएगा न्यूटन में, यहाँ पे देखिए बी वन का क्या करेंगे मान रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बी वन का मान रखेंगे, तो बी वन का मान रखने पर देखिए उपरोक्त समीकरण में बी वन का मान रखने पर, तो जब इसमें आप बी वन का मान रखेंगे तो जब बी वन का मान रखा जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, तो बी वन का जब मान रखा जाएगा तो एफ बराबर आपको मिल जाएगा आई टू म्यू जीरो अपॉन टू पाई आई वन बटे आर
आई वन बटे आर, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यल मिल जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम बटे यल बराबर आपको मिल जाएगा म्यू जीरो बटे टू पाई आई वन आई टू, आई वन आई टू बटे आर, बटे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। अब देखिए यह आपको लगने वाले बल का मान मिल गया, तो ये जो लगने वाले बल का मान मिल गया है ये इसी प्रकार अगर आर एस के कारण पी क्यू के लगने वाला बल आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर एस के कारण यही सूत्र फिर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस सूत्र से आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, अगर मान लीजिए दो धारावाही चालक तार हैं, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, चालक तार की लंबाई अगर यहाँ जल बराबर एक आंक मान लिया जाए कि एक मीटर लंबा चालक तार है, तब सूत्र आपको यह मिल जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब आगे इसको आप नोट कर लेंगे तब हम आगे चर्चा करेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद में फिर हम इसके आगे बात करें। अब पुनः देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं बल, तो बल आप यहाँ पे केवल बल बराबर एक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो अपान टू पाई आई वन आई टू बटे आर, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यल। ये केवल क्या हो जाएगा, न्यूटन। खाली अगर बल ऐसे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर दो धारावाही चालक तारों में बहने वाली धारा का मान पता हो, आर का मान पता हो, यल का मान पता हो, धारावाही चालक तार की लंबाई, तो आप दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है इसका मान आप याद कर सकते हैं। अच्छा, आप बल बल जो लग रहा है वो आकर्षण बल होगा या कि प्रतिकर्षण होगा, तो ये आपको उसी सवाल से पता होगा कि एक सवाल में ये कह रहा है कि दोनों में एक ही दिशा में धारा है तो आकर्षित होंगे, अगर विपरीत दिशा में धारा है तो प्रतिकर्षित होंगे। अब देखिए इसको आप आगे, फिर हमने आपको बताया था इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एफ बटे यल बराबर म्यू जीरो अपान फोर पाई टू पाई आई वन आई टू बटे आर। अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसको देख करके आप लिखेंगे बल का मात्रक न्यूटन और यल का मात्रक मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। आगे देखिए इसको आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसको हम निकाल देंगे। अब देखिए आगे इसको हम क्या करेंगे, आगे इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि यदि यदि आई वन बराबर आई टू बराबर आई, यानी दोनों चालक तारों में धारा क्या हो, समान हो, दोनों चालक तार में धारा का मान क्या हो, यदि प्रत्येक तार में एक ही धारा प्रवाहित हो रही हो, तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति एकांक लंबाई पर, ये जो लिखा है बटे यल, इसका मतलब प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, एफ बटे यल बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जीरो, इसको एक क्वेश्चन में माने रहिए, अभी आगे हम मानेंगे म्यू जीरो अपान टू पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बटे आर, और ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए एम्पियर की परिभाषा की बात हम कर लेंगे, किसकी बात करेंगे हम, एम्पियर के परिभाषा की हम बात कर लेंगे, तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन वन, और इसको मिटा देंगे। एम्पियर की परिभाषा, तो आगे हम बात करेंगे एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर के परिभाषा की बात करते हैं, तो देखिए एम्पियर की परिभाषा क्या कहती है, एम्पियर की परिभाषा यह कहती है, एम्पियर की परिभाषा दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर दी जाती है, यानी दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दी जाती है। यदि हम प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का आई का मान इतना रखें कि निर्वात अथवा वायु में एक मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल
2×10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तब इस धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तब इस धारा का मान क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर कहलाएगा। यानी अब हम एम्पियर की परिभाषा दे देंगे, तो एम्पियर की परिभाषा हम क्या देंगे, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर, लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति एकांक या प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। एम्पियर की परिभाषा क्या मिला हमको कि 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखीय मतलब सीधे लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये था एम्पियर का नियम। और अब इस पे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल की भी हम बात कर लेंगे इसी समय। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग लगा लें जिससे ये हमारा टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाए, फिर हमको कोई प्रॉब्लम ना रहे इस पर। तो ये सवाल है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल ये है। इसके अब देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लगाए लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है 4.8। कौन सा न्यूमेरिकल है? 4.8। तो आइए इसको मिटा के 4.8 लगाते हैं। चार पॉइंट आठ में चार पॉइंट सात। तो सवाल हम पढ़े देते हैं, सुनिएगा। दो लंबे सीधे तार ए एवं बी एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो एनसीईआरटी का 4.7 है,
दो लंबे सीधे तार ए और बी है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों में क्रमशः 8 एम्पियर एवं 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तारों में कितने कितने एम्पियर की धारा बह रही है? तो 8 एम्पियर की एवं 5 एम्पियर की एक ही दिशा में। I1 बराबर 8 एम्पियर एम्पियर, I2 बराबर 5 एम्पियर, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। 8 एम्पियर 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल की गणना कीजिए। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर, यानी यह बराबर 10 सेंटीमीटर, तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाले बल की आपको क्या करना है? गणना। तो ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कर लीजिए, 4 × 10⁻⁷। ये भी क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? 10 × 10⁻²⁰ मीटर। अब आप सवाल के लिए तुरंत आप सूत्र का उपयोग करेंगे, तो कौन सा सूत्र लगेगा? बी बराबर F = μ0/2π, I1 I2/R, और इनटू क्या हो जाएगा? यल। इनटू क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे, सवाल को हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे R, ये म्यू जीरो जो दिया है, म्यू जीरो का हम मान रख देंगे। तो म्यू जीरो का मान कितना होता है? म्यू जीरो का मान आप जानते हैं कि म्यू जीरो का मान होता है 4π × 10⁻⁷। तो आप सबका मान रखेंगे तो F बराबर म्यू जीरो का मान 4π × 10⁻⁷, I1 का मान 8, I2 का मान 5, L का मान 10 × 10⁻²। नीचे क्या हो जाएगा? 2π, और R का मान क्या हो जाएगा? 4 × 10⁻²। तो ये −2 − 2 कट जाएगा, मात्रक किसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। यहाँ पे म्यू जीरो का मान रख दिया है 4 × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, 2 × 2 = 4। तो यह बराबर 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 20, और यहाँ पे देखिए 10⁻⁷, ये 10 × 10⁻⁷. तो इसको आप लिख सकते हैं F बराबर 20 × 200, यानी 2 × 10⁻², 2 × 10⁻⁷, मात्र न्यूटन ही रहेगा, न्यूटन, न्यूटन। तो अब यहाँ पे 10 × 20 = 200, 2 × 100, यानी 10⁻². अब 7 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो उनके बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो ये इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल था, इसको आप लगा लेंगे, और सारे बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मिलेंगे, और जैसे ही जैसे मिलते रहेंगे न्यूमेरिकल हम आपको और लगवा देंगे न्यूमेरिकल। इसको आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। शुभ दिन।